नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रंजन। आप देख रहे हैं स्वतो समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। इस न्यूज वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उस सिक्के की खासियत क्या है और कैसे वो सिक्का आपको मिल सकता है। सबसे पहले इस सिक्के के बारे में जान लें। इस सिक्के के पहले साइड में अटल जी की तस्वीर है जिसमें रोमन और देवनागरी में उनका नाम लिखा हुआ है। तस्वीर के नीचे 1924 और 2018 अंकित है जो उनके क्रमशः जन्म और मृत्यु की का वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिक्के को जारी करते हुए अटल जी को याद किया, उनके कृतित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को भी स्मरण किया। इस विशेष सिक्के की खासियत यह है कि इसका वजन 35 ग्राम है और अगर इस सिक्के को आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये इतना महंगा क्यों है, इसके पीछे कारण है कि 35 ग्राम वजनी इस सिक्के में 50% यानी करीब 17.5 ग्राम के आसपास चांदी धातु का इस्तेमाल हुआ है, बाकी 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक का इस्तेमाल हुआ है। इस सिक्के को दोनों तरफ से देखने पर एक तरफ अटल जी हैं और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ है जिसके नीचे संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के बाईं ओर भारत लिखा हुआ है और दाईं ओर इंडिया लिखा हुआ है। इस 100 रुपए के सिक्के की एक और खासियत है कि भारत सरकार द्वारा जारी अभी तक के सारे सिक्कों में यह सबसे अधिक वजन वाला सिक्का है। इस सिक्के के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अटल जी की स्मृति में जारी किया हुआ कॉमेमोरेटिव क्वाइन है जो आम भारतीय मुद्रा की तरह भारत की अर्थव्यवस्था के प्रचलन में नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस 100 रुपए के सिक्के से हम रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं, बैंकों में नहीं जमा कर सकते हैं, इसका आदान प्रदान या लेन देन नहीं कर सकते हैं, बस इसे यादगार के रूप में खरीद कर घरों में रखा जा सकता है। और इसीलिए इस एक सिक्के की कीमत अनुमानतः, अभी तक हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन करीब 3 से 3,500 रुपये में ये 100 रुपये का एक सिक्का हमें मिलने वाला है। अब चूंकि ये सिक्का विशेष है इसीलिए इसे प्राप्त करने के तरीके भी विशेष हो सकते हैं। इस सिक्के को अगर प्राप्त करना है तो जैसा कि अंदेशा है और जैसा कि और भी कॉमेमोरेटिव कॉइन को प्राप्त करने के तरीके हो सकते हैं, वो दो है। मुंबई के टकसाल में सिक्कों को बनाया गया है तो एक तो ये है कि प्री ऑर्डर देके आप मुंबई टकसाल से इसे सीधे मंगा सकते हैं। दूसरा, कुछ दिनों के बाद इसे RBI के द्वारा भी बेचा जाएगा, RBI में भी विशेष ऑर्डर देकर इस सिक्के को मंगाया जा सकता है। इस न्यूज वीडियो में हमने बताने की कोशिश की कि अटल जी की स्मृति में जो 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है उसकी खासियतें क्या है, उसको प्राप्त करने के तरीके क्या हो सकते हैं और कैसे ये आम भारतीय मुद्रा नहीं है और इस 100 रुपए से हम अपनी जरूरत की वस्तुएं बाजार में जाकर इस सिक्के के माध्यम से नहीं खरीद सकते। 100 रुपए के सिक्के के बाजार में आने के, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए जाने के साथ ही एक और खबर आ गई कि हाल ही में विपक्ष ने संसद में ये पूछ लिया कि 1,000 रुपए के सिक्के पर जो अटकलें चल रही है उसको लेकर सरकार का क्या रुख है। तो 100 रुपए के सिक्के के बाद क्या 1,000 रुपए का सिक्का भी हमें देखने को मिलेगा, इस पर अभी सरकार का जवाब आना बाकी है। फिलहाल 100 रुपए के सिक्के प्राप्त करने के आप उपाय कीजिए और देखते रहिए स्वतो समाचार। स्वतो समाचार पर देश विदेश की अन्य खबरों को भी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सारी न्यूज वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज स्वतो समाचार को आप लाइक कर दें ताकि न्यूज फीड के रूप में सारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। हमें हमारे ट्विटर हैंडल स्वतो समाचार पर भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि ट्वीट्स के रूप में सारी खबरें, सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। देखते रहिए स्वतो समाचार। नमस्कार।